एक ही शब्द रहता है और उसके अनेक वर्ग होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ रहीमन से मतलब है कवि से, एक कवि थे जिनका क्या नाम था? रहीमन, यानी रहीम कवि। ठीक है, इतना क्लियर। पानी राखिए, पानी को जानते हैं ना आप, पानी को पानी है, लेकिन यहाँ पर पानी शब्द के अनेक अर्थ हैं। यह अर्थ आपको यहाँ पर आकर के मिलेगा मोती में और मानुष में और चून में। मोती क्या होता है? गले में आप पहनते हैं, ठीक है, उस पर पानी चढ़ाया गया रहा होता है। अगर मोती के पानी यानी जो भी कलर चढ़ाया गया हो पानी के माध्यम से, अगर वह ऊपर जाता है तो माला क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है ना। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का है, मनुष्य का समाज में व्यवहार है। लोग जानते हैं कि आप अच्छी तरह से बात करते हो, अपनी अच्छी तरह से बात को रख लेते हो, हमेशा दूसरे की भलाई करते हो, और एक बार भी आपने अगर किसी चीज में झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो समाज वालों से आपकी इज्जत समाप्त हो जाती है। यहाँ व्यवहार से मतलब है, इज्जत से मतलब, समझ में आया? अगर समाज के नजर में आप एक बार गिर गए, गिर जाने का मतलब कि समाज ने यह सोच लिया कि आप झूठ बोलते हो या आप चोरी भी करते हो, तो वह मनुष्य का पानी हुआ, वही मनुष्य का व्यवहार हुआ, समझ में आया ना। तो फिर समाज आपको चोर ही कहेगा, आपको बेईमान ही कहेगा, आपको झूठ ही बोलने वाला कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो यहाँ पानी का दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ हो गया चूना। चूना सफेद होता है, चूने को दीवार पर लगाए जाते हैं सफेदी करने के लिए। बारिश हुई और चूना धुल गया, फिर क्या हुआ? वो ऑटोमेटिक फिर सफेद नहीं होगा। यानी एक बार अगर यह पानी सब चला जाता है तो वो फिर से वापस नहीं आता है। एक ही शब्द है पानी, और पानी के तीन अर्थ हो गए ना, इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार। समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार आप समझ लीजिए, जब काव्य में आए हुए एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द आया ना पानी या पानी, पानी तो ना एक ही शब्द है कि नहीं है, लेकिन इसके अर्थ हो गए तीन, मोती का पानी, मनुष्य का पानी और चूने का पानी। ठीक है, तीनों के पानी में अंतर है। ठीक है, यह जो मोती का पानी होता है या प्रकृति द्वारा बनाया गया भी हो सकता है, जैसे आपने सुना था कि सीपी के मुंह में शिवाती नक्षत्र में अगर पानी चला जाता है तो वह मोती बन जाता है। क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। जैसे पपिया, पपिया जानते हैं ना, पपिया एक ऐसा पक्षी है जो पूरी साल पानी नहीं पीता है। ठीक है, वह शिवाती नक्षत्र का ही पानी पीता है, वह जमीन पर का नहीं, गड्ढे में गड्ढा हुआ नहीं, ऊपर से जब बारिश होगी तो वह चोंच फैला करके मुंह को फैला करके और ऊपर करके रहता है, और पानी की बूंदे जितने मिलती है उतने ही पीता है, अब पूरे साल की पानी नहीं पीता। समझ में आया? तो यहाँ एक पानी से तीन अर्थ हुए, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए आप, यमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार? यमक